हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए। विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 21,000 इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एंड 10,200 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर ये टूटता है तो बड़ा फॉलो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आज अगर आप देखो तो गैप अप ही ओपनिंग हुआ और एक फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को मिला। इनफैक्ट आज पूरे दिन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिला है। अब जो आज का जो कैंडल है ये चैनल के वापस अंदर ही बंद हुआ है, अंदर क्लोज हुआ है। अब थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो ये हायर लो है, ये विद कंपेयर टू प्रीवियस डे हायर लो है, ये भी अब हायर लो बन गया है ऑलमोस्ट करेक्ट। ये हायर हाई है, अगर आप कंपेयर करो ये दोनों हायर हाई है करेक्ट। तो मुझे लगता है अब हायर चांसेस है, एक हायर हाई बनने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से 10,600 10,650 ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए एज पर सिंपल चार्ट पैटर्न थियरी। हायर लो बनाते जा रहा है, हायर हाई बनाने के चांसेस अब ज्यादा है। सो 10,600 के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं निफ्टी में। सो अगर कोई डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा निफ्टी में 10,600 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी हायर लोज बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी एक हायर लो बन चुका है आज के दिन में, और बैंक निफ्टी में भी ये हायर हाई है। तो अब मुझे लगता है यहाँ से 23,000 के अराउंड एक वापस हायर हाई बन सकता है। सो यहाँ से 23,000 तक के टारगेट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, पॉसिबल है फ्राइडे या नेक्स्ट वीक तक हमें देखने को मिले। सो 23,000 के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी। कोई भी डिप मिलता है काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 23,000 के टारगेट के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको पेट्रोनेट सेल दिया था, पेट्रोनेट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, कुछ 4-5 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस था। बोजो पेंट मैंने सेल दिया था, ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस ही है। और मुथूट फाइनेंस मैंने आपको बाय दिया था, इसमें काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बना। अगर आप देखो मैंने आपको बोला भी था अगर 1070 होल्ड करता है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि 1070 होल्ड करता है तो हो सकता है यहाँ से प्राइस टर्न हो जाए और एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिले। आज अगर आप देखो तो इसने 1133 का हाई बनाया है और मैंने टेलीग्राम चैनल में बाय दिया था 1090 के ऊपर, तो इसमें 30-40 रुपये का अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक में अगर आप देखो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक था, लेकिन अब इसमें वापस एक हमें मोमेंटम देखने को मिला और मुझे लगता है यहाँ से अभी तक ये हाई फॉर्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर का हाई भी हमें देखने को मिल सकता है। सो ये काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट ये पोजिशनली और इंट्राडे दोनों तरीके से काफी अच्छा बाय लग रहा है। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे काफी अच्छा बाय लग रहा है, 1700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है बार बार, और अगर आप देखो तो ये 1700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, और अगर आप देखो तो इसने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ से 1800 और 1850 ये पॉसिबल टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा एलएनटी। एलएनटी मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, क्योंकि एलएनटी का सेटअप अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट डबल टॉप था और मुझे लगता है एक बार यहाँ पे वापस एक बॉटम बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम वापस बना सकता है डबल बॉटम। सो 880 के टारगेट्स के लिए हम एलएनटी ट्रेड कर सकते हैं, ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। इंट्राडे में भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, काफी अच्छा ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड एलएनटी। तो ये स्टॉक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कल के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।